एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है? दोस्तों, लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, लेकिन उसके पास किसी कोर्ट में केस लड़ने की परमिशन नहीं होती है। केस लड़ने के लिए उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की एग्जाम को पास कर लाइसेंस लेना होता है। उसके बाद वह एडवोकेट बन जाता है, और एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास BCI से लाइसेंस प्राप्त होता है। तो वकालतनामा के अनुसार वह भारत के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। यानी कि दोस्तों, जिसके पास सिर्फ लॉ की डिग्री होती है वह लॉयर होता है, और जिसके पास डिग्री के साथ BCI का लाइसेंस भी होता है वो एडवोकेट होता है, जो कि केस लड़ सकता है।